हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, आज हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं नीलिमा अजीम के बारे में। जी हाँ, नीलिमा अजीम को आप सब जानते होंगे। नीलिमा अजीम शाहिद कपूर की माँ है। जी हाँ, नीलिमा अजीम और पंकज कपूर का तलाक 1984 में हो गया था। जी हाँ, इसके बाद नीलिमा अजीम बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उस समय शाहिद कपूर महज 3.5 साल के थे। इतनी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता का तलाक शाहिद कपूर ने देखा था। आज उसी तलाक को लेकर नीलिमा अजीम ने एक इंटरव्यू में बात की है और इस इंटरव्यू में अपनी तलाक से लेकर उसके बाद की जिंदगी के बारे में कई खुलासे भी किए हैं उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया है कि तलाक के बाद उनके बेटे की जिंदगी उनके साथ कैसी बीती, उनके बेटे को कितना फर्क पड़ा इस तलाक से, इस सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात की है इस इंटरव्यू में, जिसके बारे में आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलिमा अजीम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को एंटरटेन किया है, लेकिन ये भी सच है कि नीलिमा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियां बटोरती रहती है। नीलिमा अजीम और उनके पति एवं फिल्म मेकर पंकज कपूर का तलाक तब हुआ था जब उनके बेटे शाहिद कपूर महज 3.5 साल के थे, और इसी वजह से नीलिमा को अपने बेटे की परवरिश अकेले ही करनी पड़ी थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें नीलिमा ने बताया है कि उनके और पंकज कपूर के तलाक की वजह से शाहिद कपूर की जिंदगी में क्या बदलाव आए थे। जी हाँ, अपनी तलाक को लेकर नीलिमा अजीम ने एक इंटरव्यू में बात की है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नीलिमा अजीम ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पंकज कपूर संग अपने तलाक पर खुलकर बात की है। जी हाँ, नीलिमा अजीम ने बताया कि वो और पंकज कपूर ज्यादा साथ नहीं रहे थे। जब शाहिद का जन्म हुआ था तब पंकज कपूर मुंबई में थे, और इसी वजह से उन दोनों के अलग होने से शाहिद कपूर की जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। नीलिमा अजीम ने कहा कि शाहिद का जन्म दिल्ली में हुआ था और इन दिनों मैं माता पिता के साथ ही रह रही थी, क्योंकि पंकज पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। जिस समय मैंने शाहिद को कंसीव किया, ये बात हमें पता चलने से पहले ही पंकज फिल्मों और टीवी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। मैंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया था क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान है और उन्हें अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके आगे नीलिमा अजीम ने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे माता पिता और भाई ने ही मेरा ध्यान रखा था, और फिर शाहिद का जन्म होने के बाद मैं अपने माता पिता के घर ही रह रही थी। मेरा और पंकज का कभी एक साथ घर था ही नहीं। शाहिद शुरू से ही हमारे साथ दिल्ली में रहे थे, इसी वजह से उन्हें मेरे साथ रहने की आदत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शाहिद को अपने पिता का घर छोड़कर मेरे साथ रहना पड़ा था। वो शुरू से ही अपने उसी माहौल में था जहां पर उसका जन्म हुआ था। वहीं इस इंटरव्यू के आखिर में नीलिमा अजीम ने कहा कि हमारे तलाक की वजह से शाहिद की जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन ये भी सच बात है कि अलग होना और तलाक लेना दोनों अलग अलग बात होती है। हमारे तलाक के समय वह बहुत यंग थे और उन्हें आसपास हमेशा ही पारिवारिक माहौल मिला था जैसा वो चाहते थे। बताते चले कि नीलिमा अजीम और उनके पति पंकज कपूर के संबंध 1984 में खराब हो गए थे, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ने अलग अलग लोगों से शादी की, जहां पंकज कपूर ने सुप्रिया पाठक से शादी की और उनके रूहान और सना नाम के दो बच्चे एक साथ हुए। दूसरी ओर नीलिमा अजीम ने पंकज कपूर के बाद राजेश खट्टर से शादी कर ली थी और इन दोनों के बेटे ईशान खट्टर हैं। जी हाँ, शाहिद के 3 सौतेले भाई बहन हैं और वे तीनों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। वो अपने भाई ईशान को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं उनकी सौतेली बहन सना ने शानदार फिल्म में उनके साथ डेब्यू भी किया, जी हाँ, जिसमें शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में थे, और ईशान खट्टर ने भी 2018 में आई फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। जी हाँ, इस फिल्म में ईशान को काफी ज्यादा पसंद किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलिमा अजीम
हमेशा ही अपने बच्चों के काफी ज्यादा करीब रही हैं। जी हाँ, और ये पहली बार नहीं है जब अपनी तलाक को लेकर नीलिमा अजीम ने बात किया है। इससे पहले भी नीलिमा ने अपना दर्द कई बार बयां किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले भी नीलिमा ने अपनी शादियों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने एक अच्छे दोस्त से शादी की, सब कुछ अच्छा था, मेरे पेरेंट्स अच्छे थे, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे थे, तो मुझे ये पता नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसमें पांव फिसल जाए और हम डंप करके गिर जाएं। और रिजेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि हर कोई मुझसे प्यार करता था और मुझे फॉलो करता था। तो आप यंग होते हैं तो पूरी तरह से उत्साह से भरे होते हैं, तब पहली बार मैंने वास्तव में दुख, पीड़ा, अस्वीकृति, चिंता, दर्द, एक अनजाना डर सा और बहुत सारी असुरक्षा को महसूस किया था। जी हाँ, नीलिमा ने आगे कहा कि ये पहली बार था जब मैं फिसल गई थी और फेल हो गई थी, लेकिन मैं इसे अपनी ज़िंदगी में एक भयानक चीज़ के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे उस झटके की ज़रूरत थी। हम सबको ये समझना चाहिए कि असाधारण या कुछ अलग नहीं है, हम एक सिंपल इंसान हैं जो रिजेक्ट हो सकते हैं। मुझे खुद को पूरी तरह समेटने में करीब 1.5 साल का वक्त लग गया था। जी हाँ, राजेश के साथ शादी के बारे में बात करते हुए नीलिमा ने कहा था कि दूसरी शादी टिक जाती अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई होती। ये काफ़ी मुश्किल था, मुझे लगता है कि अगर इसमें ज़्यादा लॉजिक और सेंस होता तो ये रिश्ता हम वर्कआउट कर सकते थे, लेकिन ये चला गया। लेकिन मेरे पास वापस उठने की और चलने की क्षमता थी और मेरे पास मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटों के रूप में 2 लवली बॉयज़ भी थे। वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन और काफ़ी सारी खुशी और प्रेरणा के स्रोत थे। अपने दोनों बेटों से बॉन्डिंग के बारे में भी नीलिमा अजीम ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं शाहिद के साथ ज़िंदगी के बारे में वंडरफुल बातचीत करती हूँ और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। वो क्यूट, दयालु और सेंसिटिव हैं, तो इसीलिए मैं उसके साथ वंडरफुल और सेफ फील करती हूँ। मीरा के साथ मुझे इस बात की पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि दो महिलाएं जो सेम लाइफ को सेम लोगों के साथ शेयर करती हैं और जो एक ही जैसी हैं, वो क्या कर सकती हैं, और हम दोनों कूल हैं। ईशान के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, जहाँ हमको जगह काफ़ी एक जैसे हैं, तो हम लय में एक साथ अच्छे से मूव करते हैं। साथ में मैं ईशान के साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करती हूँ। जी हाँ, इंटरव्यू में ये सारा कुछ नीलिमा अजीम ने बयां किया था, अपना दर्द नीलिमा अजीम ने बयां किया था। आपने देखी अभी यह रिपोर्ट, आपने जाना नीलिमा अजीम के तलाक के बारे में। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से इतनी कम उम्र में उनका तलाक भी हो गया था और शाहिद कपूर महज उस समय कितने छोटे थे। लेकिन नीलिमा अजीम ने ये साफ बताया कि इतनी छोटी सी उम्र में शाहिद कपूर को इस तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि शाहिद हमेशा ही दिल्ली में ही रहे थे, उनकी माँ के पास ही रहे थे, क्योंकि पंकज कपूर को मुंबई जाना पड़ा था अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए नीलिमा अजीम ने पंकज कपूर को कभी रोका नहीं। जी हाँ, 1984 में ये दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए। वहीं पंकज कपूर ने जब किसी और से शादी कर ली, सुप्रिया पाठक से शादी कर ली, तो वहीं आपको बता दें कि नीलिमा अजीम ने भी राजेश खट्टर से शादी कर ली, लेकिन उनकी ये शादी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज से। सुरभि की रिपोर्ट।